हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें लेडीज़ को, गर्ल्स को, सबको बहुत ज़्यादा शौक होता है मेकअप करने का, और जिसकी वजह से हमारा फेस काफ़ी डल डल होने लग जाता है। क्योंकि अगर आप डेली केमिकल्स और ये सब मेकअप करते हो तो उससे क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज होने लगती है, क्योंकि वो केमिकल्स जो है हमारी स्किन एब्जॉर्व कर लेती है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया लेके आई हूँ, जिससे आपके मेकअप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी स्किन को कोई डैमेज नहीं होगा। क्योंकि ये मैंने खुद अप्लाई करके देखे हैं और जिनका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग और फ्लॉलेस होता है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे कि आप सब लोगों को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मुझे भी है, शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसको मेकअप का शौक नहीं होगा। अगर कोई डेली नहीं करता तो कोई पार्टीज़ में तो सब जगह करते ही हैं, बट कुछ वर्किंग वुमेंस होती हैं जिनको डेली मेकअप करना ही पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हम मेकअप यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन उसे एब्जॉर्व करती है और हमारे स्किन पे इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, रिंकल्स होने लगते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती हैं और हमें अपनी स्किन थोड़ी डल फील होने लग जाती है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग टिप है, जिसको आप यूज़ करके अपनी स्किन को डैमेज होने से बचा सकते हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की। तो दिखाती हूँ मैं आपको, और वो है ये वैसलीन। यस, ये आप डेली घर में यूज़ करते हो, बट इसका जो यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे आपने इसको कभी यूज़ नहीं किया होगा। और ट्रस्ट मी, इसको मैंने 1 वीक यूज़ किया है इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको जब भी बता रही हूँ जब मैंने इसे खुद यूज़ किया है और इसका रिज़ल्ट देखा है, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो मुझे भी मेकअप से काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रहा था। ओके, तो वैसे मैं इसे विंटर्स में अप्लाई करती हूँ, यूज़ करती हूँ काफ़ी, बट मैंने इसे फेस पे कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ये फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, जब आप मेकअप करते हो तो आप सबसे पहले अपने फेस पर क्या लगाते हो, प्राइमर, राइट। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्राइमर की जगह पर आपको वैसलीन यूज़ करनी है। क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब आप प्राइमर अप्लाई करते हो तो वो आपकी स्किन एब्जॉर्व कर लेती है। तो अगर आपका प्राइमर ही केमिकल बेस होगा तो आपकी स्किन तो ऑब्वियसली डल होगी ही। तो आपको क्या करना है, आपको एज अ प्राइमर यूज़ करनी है वैसलीन। आप थोड़ा सा, मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा सा बस ये देखिए, आपको सिर्फ इतना लेना है और फिर उसको अपनी स्किन पर, फेस पर अप्लाई करके दिखाऊं आपको, अपनी स्किन पे ऐसे टिप टिप करके, बस ये ऐसे आपको अप्लाई करना है इसको। जी हाँ, ये वैसलीन है और ये मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इस ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्टिकी नहीं होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो हो जाएगी, बट आपको थोड़ी थोड़ी लगानी है और पूरा अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। और आप देखोगे बिल्कुल आपको प्राइमर वाला फील देख सकते हो स्किन। ये देखिए, मैंने पूरा स्प्रेड कर दिया। थोड़ी देर आपको वेट करना है ताकि आपकी स्किन जो है इसको एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, उसके बाद हम इस पे बेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने लगा लिया है और अब ये मेरी स्किन में एब्जॉर्व हो चुका है आराम से। और इसे लगाने से, जैसे कि प्राइमर लगाने के बाद आपके फेस पे शाइन आती है, आपका मेकअप नेचुरल लगता है और शाइनी लगता है। तो उसके बाद अब मैं मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे करती हूँ मेकअप। ये देखिए, इसके ऊपर ही मैं ये अप्लाई करूंगी बस, क्योंकि हम दिन का मेकअप कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा थोपा थोपी नहीं करेंगे, बहुत लाइट लेके चलेंगे। उसके बाद मैं लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर और इसको मैं यूज़ करूंगी स्प्रेड करने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा मेकअप ब्लेंड हो चुका है और बिल्कुल नेचुरल शाइन मिली है हमें। और इसके ऊपर मुझे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है शाइन के लिए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि डॉक्टर्स भी हमें वैसलीन रेकमेंड करते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आप रात में अगर लगा के सोते हो तो सुबह तक आपकी स्किन में आपको काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि वैसलीन को आप अगर अपने हेयर्स के टिप्स पर लगाते हो तो आपके जो
दो मुए बाल होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको मेरा मेकअप का आइडिया ये कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छे लगे इसके रिज़ल्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो आपको ये कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू, बाय बाय।